हौसला, जुनून और चाहत। अगर कुछ करने की हो तो इंसान असंभव को भी संभव बना लेता है। हर इंसान हर वो काम कर सकता है जो वो सोचता है। हाँ, फर्क बस इतना है कि कुछ भीड़ के संग चलना पसंद करते हैं और कुछ भीड़ से अलग अपनी राहें तलाश कर अपनी खुद की तयशुदा मंजिल तक पहुंचते हैं। ऐसे ही साधारण सोच से थोड़ा अलग सोचते हैं सहगल फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर सूरी सहगल, जो पेशे से फसल वैज्ञानिक, बीज उद्यमी और हाइब्रिड बीज उद्योग के मुख्य विशेषज्ञ हैं। इनके इस मुकाम के पीछे इनका एक सपना है, वो सपना जो ग्रामीण भारत के हर शख्स को सुरक्षित, समृद्ध और सम्मानजनक जीवन देना चाहता था। इसीलिए इन्होंने नींव रखी सहगल फाउंडेशन की। Philanthropy is, especially the philanthropy in India, goes back to people giving the money for charity. The charity means that the orphanages, the schools, the temples and so on. But the money for development in the country is very rare. The purpose is to create an awareness that if the money is channeled for development, the country will develop. And if the country develops, everybody benefits. Sehgal Foundation Public Trust है, जिसका मिशन है ग्रामीण भारत में सकारात्मक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण को परिवर्तित करने के लिए एक शक्तिशाली सामुदायिक नेतृत्व। और इसी के लिए फाउंडेशन जल संरक्षण, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक न्याय पर भी काम कर रही है। इस मिशन को मुकाम देने के लिए फाउंडेशन वक्त वक्त पर कुछ कार्यक्रमों का आयोजन भी करती है, जिनमें इनके सदस्यों के साथ कुछ ऐसी हस्तियां भी शामिल होती हैं जो समाज सेवा में तत्पर है। ऐसे ही एक कार्यक्रम का साझेदार ग्रीन टीवी भी हुआ। विषय था भारत में परोपकार और कोऑपरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व। जो फिलैंथ्रोपी इंडिया में है, लोग हिंदुस्तान में लोग काफ़ी चैरिटेबल हैं। जो हमारी वही इसीलिए के देते हैं कि चैरिटी देते हैं, कोई किसी को द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज न्यू इन इंडिया, वो अभी नहीं आया। तो बारे दोनों बाहर के मुल्क में लोग मनी डेवलपमेंट के लिए देते हैं कि अगर डेवलपमेंट होगी तो सब बेनिफिट करते हैं। तो पर्पस का यही था कि यही अवेयरनेस करें कि मनी जो फिलैंथ्रोपी है, इट नीड टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट एंड फिलैंथ्रोपी। यानी फिलैंथ्रोपी कैसे रूरल डेवलपमेंट में मदद कर सकेगी, तो एक तो था कि जो रूरल डेवलपमेंट सरकार क्या कर रहे हैं, सरकार के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उनके माजी सेक्रेटरी थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि उन्होंने क्या क्या प्रोग्राम किया था। दूसरा CSR के बारे में एक जानकारी दिया, जिन्होंने पहले वो CSR लॉ जो था है 2% प्रॉफिट देना है, तो उन्होंने उसके बाद जानकारी दी कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं इसे। मैंने खुद, और तीसरा था कि मीडिया के थे, उन्होंने बताया कि मीडिया किस तरह जो अच्छा काम हो रहा है देश में उसको कैसा दूसरे लोगों को सामने लाने का, उसके बारे में उन्होंने बात की। और मेरा खुद का जो लिख मैंने कि कम्युनिटी यानी अपने गांव में दान दे के हम कैसे छोटे से फाउंडेशन कर सकते हैं जिससे कि गांव में या विलेज या शहर कि वो उनकी माजी नीड्स क्या होती है, ज़रूरतें क्या होती है, तो उसके ऊपर वो मदद कर सके। ये फंड ऐसा तैयार करना है कि वो जो सरकारी के अलावा हो, प्राइवेट फाउंडेशन जो देते हैं, कंपनी जो देते हैं, उसके सिर्फ अलग। तो ये सारे जो एक गांव के लोग हैं वो अपने अपने चुन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ बना के वो
ये एंडाउमेंट जो कहते हैं, जिसका पूंजी तैयार करने का, वो पूंजी से इंटरेस्ट से जो जो काम चाहते हैं लोकल लोग, उनकी समस्या जो है हल में बाहर करने के लिए, इसके बारे में मैंने बातचीत करी। सहगल फाउंडेशन और डॉक्टर सूरी सहगल की तरह अगर समाज का हर व्यक्ति ये ठाने कि वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से देश के हक के लिए आगे बढ़ेगा, तो यकीन मानिए देश उन बुलंदियों को पाएगा जो आज सिर्फ कल्पनाओं में ही जीवित है।